जी मैं आज आपको सिखा रही हूँ पापड़ी चाट। मैंने आपको बल्ले सिखाए थे, बेसन के बल्ले ना, तो उनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई थी, मतलब बल्लों में जो मैंने आपको बताया था उसकी रेसिपी ना, तो वो ये उसी रेसिपी के बने हुए हैं। अगर आपने चेक करना है तो मेरी बल्लों वाली रेसिपी चेक कर लें। बेसन के बल्ले ये वही है, मैंने पानी में इन्हें आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए, ये देखें ये कितने सॉफ्ट हो गए। अगर मैं दबाऊँगी तो ये टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट है ये देखें। तो अब ऐसा करते हैं कि इसके लिए हमने ना हमें बल्ले चाहिए। ये मेरे एक कप के बल्ले हैं, बाकी मेरे पास ये आप खुबुज ले लें। यहाँ हमारे पास तो खुबुज मिलता है, तो मैंने उस खुबुज को क्यूब्स में काट लिया है और फ्राई कर लिया डीप फ्रायर में। वरना आप पापड़ी बना लें, पापड़ी ले लें, या वरना घर की रोटी ले लें वो फ्राई कर लें डीप फ्राई में, उसे सीजर से काट के क्यूब्स की तरह, या फिर आप उसके लिए वो ले लें पीता ब्रेड, उसको क्यूब्स की तरह काट लें। ये पापड़ी हो गई हमारी रेडी। और जी ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिल्ली है, मैंने दो तीन काट ली हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी मिर्चें हैं। ये पुदीना है मेरे पास, मिंट है, और ये है जी कोरिएंडर फ्रेश, ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा। ओनियन है एक मीडियम साइज़ की, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये बारीक बारीक काट ली है। और ये आलू हैं मेरे पास, दो तीन आलू हैं छोटे छोटे कटे हुए, एक बॉल आलू का ले लें। ये टमाटर है, एक टमाटर है बड़े साइज़ का, ये काट ले लें। और ये चने हैं मेरे पास, एक बॉल चना ले लें, ये हो गए। दही मैंने ले लिया है दो कप, योगर्ट जो है हमारा टू कप्स ऑफ योगर्ट है। अब इसके अंदर मेरे पास आप ब्लैक पेपर, ये है क्या कहते हैं सॉल्ट है जो है मेरे पास, वन टेबल स्पून, वन टी स्पून सॉल्ट है, वन टी स्पून चिली क्रश चिली है, गरम मसाला मेरा चेक कर लीजिएगा होममेड वो वाला गरम मसाला है हाफ टी स्पून, और ये जी ब्लैक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट जो लिया है ये भी हाफ टी स्पून लिया है मैंने, और ये ज़ीरा है ये वन टी स्पून है, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है वन टी स्पून, और ये साबुत ज़ीरा है कोरिएंडर ये भी वन टी स्पून है, और ये कोरिएंडर पाउडर भी वन टी स्पून है। दो सारी चीज़ें वन है, सिर्फ ये ही वन टेबल स्पून है, वन टेबल स्पून है, बाकी हाफ हाफ है। ये जी देखें मेरा ना ये गरम मसाला चला गया इसके अंदर, कुटी हुई मिर्चें चली गई इसमें, सॉल्ट चला गया, ज़ीरा चला गया, ज़ीरा पाउडर चला गया, ब्लैक सॉल्ट चला गया। ये सारी हमने चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करते हैं। ये जी मैंने बल्ले जो है ना इसकी ट्रे के ऊपर लगाती हूँ अपने, ये देखें आप कितने बड़े बड़े बने हैं, गोल गोल हैं। ठीक है अब मैं इसके ऊपर कुछ आलू डालती हूँ। आलू के बाद टमाटर डालते हैं इसमें थोड़े से, हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिएगा क्योंकि सारा हाथों का काम है, काउंटर अपना साफ कर लीजिएगा। चने डालते हैं इसके ऊपर, प्याज आ गई, ओनियन डाल दें, मिंट डाल दें जी, ग्रीन चिल्ली आ गई, मैंने थोड़ी ही काटी है लेकिन आप पे डिपेंड है कि आप कितनी मिर्चें खानी हैं तो उतने काट लें। और अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मेरी पापड़ी है ये डाल देंगे, पापड़ी डाल दी, ऐसे फिर हम लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं अपना ये योगर्ट डाल रही हूँ, इसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं।
हरी मिर्ची डाल दिया करो आप, आलू डाल दिए, टमाटो सारा देना, प्याज डालते, ज़्यादा कर दें पापड़ी। आप बेशक खाने के टाइम भी डाल सकते हैं उसको, ज़्यादा ही बनाइएगा, बच्चे शौक से खाते हैं पापड़ी। चले आ गए, ये जी आपके रेडी है पापड़ी चाट, इसे खाइएगा। ऊपर से अगर आप चाहते हैं तो इस पे इमली का पानी डाल लें, इमली की चटनी डाल लें। मैंने इसमें काला नमक डाला है, इस वजह से मैंने इसमें इमली की चटनी नहीं डाली। इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको चाट कैसी लगी। और जी मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये अच्छी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, जो भी लगी मुझे ज़रूर बताएं। एक सेकेंड, ये तैयार है हमारी पापड़ी चाट, इसे खाइएगा, एंजॉय करें। दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।